नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम लेकर आए हैं कुछ एमसीक्यू जो प्लांट एनाटॉमी के हैं, और ये जो है नीट, पीजीटी, टीजीटी, एमएससी एंट्रेंस, इन एग्जाम्स में आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। अब है कि इसमें से कौन सी फैमिली जो है वो निक्टेंथस फैमिली है। जीनस निक्टेंथस बिलोंग टू द फैमिली। तो अगर देखा जाए कि इसमें निक्टाजेनेसी, ओरिएसी, लिलिएसी और लैमिएसी, तो अब ये कंफ्यूज करने के लिए कि निक्टाजेनेसी निक्टेंथस फैमिली गलत है, ओरिएसी, लिलिएसी और लैमिएसी। लैमिएसी में अगर आप देखेंगे तुलसी का इन्फ्लुएंस आता है, वर्टिस लास्टर इन्फ्लुएंस आता है, तो निक्टेंथस में वर्टिस लास्टर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लिलिएसी में प्याज वगैरह आता है, तो उसकी सही फैमिली जो होगी वो होगी ओलिएसी। और नेक्स्ट हमारा है मेडुलरी बंडल्स आर एब्सेंट इन द स्टेम विच प्लांट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। मेडुलरी बंडल किस प्लांट के स्टेम में एब्सेंट होते हैं? मिराबिलिस जलापा, बोगनविलिया स्कैप्टिलिस, ट्रिकोमा ग्रैंडिफ्लोरा, बोरहेविया डिफ्यूजा। सही आंसर होगा ट्रिकोमा ग्रैंडिफ्लोरा। तो ट्रिकोमा एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। अगला हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म प्लांट गर्डल ट्रेस प्रेजेंट। किस प्लांट के स्टेम में या एनाटॉमी में गर्डल ट्रेस को रिपोर्ट किया गया है? तो है लॉरियो डेंड्रॉन ट्रीटिकम सोलेनम हिबिस्कस। तो सही आंसर होगा लॉरियो डेंड्रॉन। इसके अंदर ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें गर्डल ट्रेस को रिपोर्ट किया गया है। विच आर द फॉलोइंग सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म कौन कौन से हो सकते हैं इसमें पता करना है हमें, कस्कोटा, लोरेंथस, मोनोट्रेपा और अवेंकी। तो कस्कोटा भी देखा जाए जिसे अमरवेल कहते हैं, एपिफिटिक प्लांट है। लोरेंथस भी एपिफिटिक प्लांट है, प्लांट्स के ऊपर मिलता है। मोनोट्रेपा और ओरोवेंकी, ओरोवेंकी रूट स्टेम्स में पैरासिटिक प्लांट होता है। तो मोनोट्रेपा एक प्लांट्स है जो सेप्रोफिटिक फंजाई के रूप में जाना जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी मोनोट्रेपा। इंक्लूड्स द फिल्लम, फिल्लम, फिल्लोडर्म, फिल्लम फिल्लोजन एंड फिल्लोडर्म, फिल्लम एंड फिल्लोजन। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा होगा सी। क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो इसमें जो हमारा चार ऑप्शन दे रखे हैं रूट एपेक्स, सूट एपेक्स, रिप्रोडक्टिव एपेक्स और वेजिटेटिव एपेक्स। तो हम सकते हैं कि क्वेश्चन सेंटर बेसिकली जो पाया जाता है, क्लाउस ने रिपोर्ट किया था मेज में, और ये रूट पोर्शन में होता है, तो उसका सही ऑप्शन होगा रूट एपेक्स। सूट एपेक्स, रिप्रोडक्टिव एपेक्स और वेजिटेटिव एपेक्स पे ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन सेंटर वो स्थान होता है जहां पर सेल डिवीजन स्लो होता है और आरएनए डीएनए का अमाउंट है वो बहुत कम पाया जाता है। द मिडिल लैमेला इन द प्रेजेंट, मिडिल लैमेला इन अ प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ। तो मिडिल लैमेला प्लांट्स के अंदर किस चीज से बना होता है? सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन एंड लिग्निन। तो देखा जाए जो मिडिल लैमेला है वो पेक्टिन सबस्टेंस से मिलकर बना होता है जो सेल को जुड़ने का काम करता है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड। तो इन्वर्टेड में सिर्फ एक ही प्लांट मिलते हैं, वो हमारा निक्टेंथस प्लांट है, जिसके कॉर्नर पर प्राइमरी वैस्कुलर बंडल के अलावा जो कॉर्नर पर वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। तो सीधा सब कह सकते हैं कि निक्टेंथस इसमें सही आंसर है हमारा। मिराबिलिस जलापा, बिग्नोलिया और चिनोपोडियम में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी किसने प्रपोज की थी? नेगली, हिस्टीन, एनसिचमेट एंड लिवरवर्ट। तो ये वाला होगा हिस्टीन। तो वेसल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन क्यूरिकस, एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन क्यूरिकस, कैजुराइना, ड्रेसिना, स्ट्राइकोनस। तो इसमें सही आंसर हमारा होगा ड्रेसिना में एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, इसी के कारण ड्रेसिना हमारा मोनोकार्ट होते हुए भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। बुली फार्म सेल्स और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन सैक्रम, नीलम्बो, नेरियम, केजुराइना।
देखा जाए जो बुली फार्म सेल्स है वो बेसिकली मोनोकार्ट प्लांट का करेक्टर है, और इसमें मोनोकार्ट प्लांट हमारा सैक्रम, इसके अंदर बुली फार्म सेल्स पाई जाती है। द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वर यूज बाई फर्स्ट डिक्सन क्लार्क मुंच। विच ऑफ द फॉलोइंग सेग्रेटरी टिश्यू, निम्न में से कौन सा ऐसा है कि जो उत्सर्जी टिश्यू है, उत्सर्जी ऊतक है? स्क्लेरोकाइमा, कंपेनियन सेल्स, हाइड्रोथ्रोट, स्क्लेराइड्स। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई जो स्क्लेरोकाइमा और कंपेनियन सेल्स जो है वो कोई सिक्रेशन का काम नहीं करते, स्क्लेराइड्स भी नहीं है। तो सही आंसर है हाइड्रोथ्रोट, जो वाटर ड्राप के रूप में वाटर को उत्सर्जित करता है, इसे गटेशन कहते हैं और उस कोर को हाइड्रोथ्रोट कहते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा सी, लिग्निन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा एंड कंपेनियंस। तो देखा जाए जो लिग्निन है वो उसका मेनली जाइलम का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। लैक्टिफेरस बेसल्स आर प्रोमिनेंट, पाइसम सैटाइवम, फिनॉक्स सिल्वेस्ट्रस, हेविया ब्रैजिलियंसिस, रूटा ग्लैबेंसिस। तो पाइसम, फिनॉक्स और रूटा ये किसी तरीके का कोई लेटेक्स सिग्रेशन नहीं करते हैं। तो इसमें सिंगल प्लांट है हेविया ब्रैजिलियंसिस, इसे रबर प्लांट कहते हैं, इसलिए लैक्टिफेरस बेसल्स का सही आंसर हमारा होगा हेविया ब्रैजिलियंसिस। कैस्प्रियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ पेरिसाइकिल, पिथ, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। सही आंसर होगा एंडोडर्मिस, कैस्प्रियन स्ट्रिप जो है वो एंडोडर्मिस रीजन में होती है। टिश्यूज इज फाउंड इन, तो देखा जाए बेलामेंट टिश्यू जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बेलामेंट टिश्यू आप बता सकता हूँ कि बेलामेंट टिश्यू बेसिकली आर्किड्स की रूट्स पे मिलते हैं, जो मॉइस्चर से या हवा से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसमें हम देखते हैं किसमें मिलते हैं, एडवेंटेटियस रूट, एरियल रूट्स ऑफ आर्किड, क्लेडोर्स एंड ईस्टर रूट्स। उसमें सही आंसर हमारा होगा एरियल रूट्स ऑफ आर्किड्स। द रूट हेयर्स इमर्ज फ्रॉम हेलियंथस, ब्रेसिका, सोलेनम एंड हिबिस्कस। तो जो रूट हेयर्स बेसिकली है वो किस कहां से इमर्ज होते हैं, वो हेलियंथस में इमर्जेस होते हैं। एब्सिसल लेयर इज फॉर्मड बाय द कैम्बियम सेल्स, स्क्लेरोकाइमेटा सेल्स, पेरेन्काइमेटा सेल्स एंड इसमें सही आंसर हमारा होगा पेरेन्काइमेटा सेल्स। बेलामेंट टिश्यू इज फाउंड इन बता चुके हैं कि ऑर्किड्स में मिलते हैं। सैपवुड, द इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी, फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ दी। इसमें सही आंसर होगा आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी वुड में जो है उसी को हम सैप वुड कहते हैं। लैक्टोम क्वाइंड बाई हेवरलैंड इज सिनोम्स, फ्लोएम, जाइलम, मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम। तो लैक्टोम जो है वो बेसिकली फ्लोएम के लिए टर्म यूज किया गया है, और इस टर्म को ग्राफाइट के केस में इसको रिपोर्ट किया गया है। जाइलम के दूर ने हाइड्रोम शब्द यूज किया गया था, तो उसमें सही आंसर मारा है ये। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बनाएंगे। इस तरह आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।